नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1 फरवरी को पेश की जाने वाली अंतरिम बजट में नजर आ सकती है विकसित भारत के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की झलक। सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास को दे रही है बढ़ावा। कृषि क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करते हुए बना रही है आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल में 2,30,00,000 की आबादी के जीवन स्तर में आई बेहतरी। जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं का लोगों को मिल रहा है लाभ। किसानों की आमदनी और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संरक्षित खेती को दे रही है बढ़ावा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि संरक्षित खेती की नई तकनीक से फसल उत्पादन को कर सकते हैं दुगना। घने कोहरे के आगोश में यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली, एनसीआर, कश्मीर में बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। अगले 1-2 दिन में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में विकसित भारत के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की झलक साफ तौर पर नजर आ सकती है। सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो कि आर्थिक विकास के काफी महत्वपूर्ण है। और कृषि क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बना रही हैं। हाल के वर्षों में बजट में शामिल योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाकर न केवल समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में जेंडर बजटिंग को भी समर्थन मिला है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल व्यय का लगभग 5% भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए आवंटित किया गया था। इससे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है। महिला केंद्रित बजट जितना कारगर है उतना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं। पिछले बजटों में भी विशेष रूप से महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात हो या फिर कृषि क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं, आज महिलाओं को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लैंगिक समानता हासिल करने, जिसका अर्थ है श्रम बल में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी, संभावित रूप से भारत की GDP में अच्छा इजाफा कर सकती है। विश्व बैंक के अनुसार यदि 50% भारतीय महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो भारत अपनी वृद्धि दर 1.5% अंक बढ़ाकर 9% वार्षिक तक पहुंचा सकता है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नजर आती है। महिलाओं के विविध दृष्टिकोण, कौशल और नवाचार से अधिक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, वो भी ऐसे समय में जब विकासात्मक बदलाव से भारत वैश्विक मंचों पर प्रगति कर रहा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अंतरिम बजट पेश करेंगी, तो इसमें विकसित भारत की झलक के साथ ही देश को विकसित बनाने के लिए आत्मनिर्भर होती नारी शक्ति पर भी फोकस देखने को मिलेगा। हाल में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले 9 साल में देश में 24,84,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 9 सालों में MP में 2,30,00,000 की आबादी अब गरीबी से बाहर आ गई है। विशेषज्ञ इसके पीछे की बड़ी वजह केंद्र सरकार की उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना बताते हैं, जिससे गरीबी मापने के पैमानों पर सीधा असर पड़ता है। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व बैंक का पैमाना है कि जो व्यक्ति 180 रुपए या उससे ज्यादा प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नंबर का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 2,30,00,000 की आबादी को विगत 9 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। ये आंकड़े हमारे नहीं है बल्कि पिछले दिनों आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 12 पैमानों पर केंद्रित है। इसमें साल 2013 से 14 की स्थिति में देश में गरीब आबादी के अनुपात और 2022 से 23 में देश में गरीब आबादी के अनुपात की तुलना की गई है। नीति आयोग के इस निष्कर्ष में गरीबी कम होने की बड़ी वजह केंद्र सरकार की पीएम अन्न योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना के साथ ही पोषण मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और 100% बिजली उपलब्धता के लिए सौभाग्य जैसे प्रयासों का जमीनी स्तर पर फलीभूत होना बताया गया है। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अमृत सरोवर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना और स्वामित्व योजना आदि में देश में अग्रणी है। इन योजनाओं की मध्य प्रदेश में स्थिति को भी समझते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4.83 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 82.72 लाख से ज्यादा गरीब परिवार की महिलाओं को मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस सिलेंडर के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला है। करीब 4.24 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुले हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राही तक DBT के जरिए पहुंचने लगा है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में करीब 7,50,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्की छत मिली है। 37 लाख से ज्यादा मुद्रा योजना के हितग्राहियों को अपना काम धंधा शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 24.50 करोड़ से ज्यादा का लोन मिला है। मध्य प्रदेश के वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर के सुधार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ है, जिसका बड़ा कारण राज्य में अधिकांश समय डबल इंजन की सरकार का होना है। मेन गरीबी को गिनने वाले जो मानक हैं उन पर अगर आप देखें तो पिछले 10-15 वर्षों में इसमें बहुत काम हुआ है। विशेष तौर पे मैं अगर वर्तमान जो सरकारें हैं मध्य प्रदेश की, भारत की, अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना आई, जिस तरह से उज्ज्वला योजना आई और घर घर ईंधन पहुँचा है, जिस तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ में और DBT से चूंकि उनके पास डायरेक्ट पैसा गया है तो नेचुरली कहीं ना कहीं जब इनकम आपके पास आपके खाते में दिखती है तो आपका स्तर बढ़ता है। तो मुझे लगता है समग्र रूप से जो योजनाएं हैं जो बहुत ही फोकस्ड हैं पावर्टी को हटाने के या पावर्टी इरेडिकेशन के लिए, जो फोकस्ड अप्रोच होता है टारगेटिंग टू द पॉइंट, उस पर ही आधारित होने के कारण ये एकदम फर्क आया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि गरीबी दूर होने की यही गति बनी रही तो साल 2047 तक या उससे पहले ही भारत विकसित देश बन जाएगा। बिल्कुल सही एस्टिमेट है, इसमें कोई ज्यादा ओवर एस्टिमेशन नहीं है, ये बिल्कुल सही, एक सही मॉडरेट एस्टिमेशन है, सेफ एस्टिमेशन है कि 2047 तक हम विकसित के श्रेणी में जरूर आ जाएंगे, हो सकता है उससे पहले ही आ जाएं। मध्य प्रदेश में इन आंकड़ों में सुधार की एक वजह औद्योगिक और अधोसंरचना विकास भी है। मध्य प्रदेश आज उद्योगपतियों के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है क्योंकि यहाँ नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, नए MSME क्लस्टर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स आदि का विस्तार हो रहा है। तो वहीं 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता, 29,000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता, 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें, नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का विकास होना प्रमुख है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट 2024 की शुरुआत में खुशखबरी लेकर आई है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, अगले 25 साल यानी कि अमृत काल में अगर भारत की नीति और नियत इस तरह ही साफ रही और अगले 25 साल अगर पराक्रम की पराकाष्ठा ऐसे ही भारत करता रहा तो 2047 तक यानी कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे तो गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव। और 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले
भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों, 35,000 से अधिक उपस्थित लोगों और 900 से अधिक एग्जीबिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इस बार कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, यूके और यूएसए जैसे देशों के लिए खास 6 पवेलियंस होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय एमएसएमई के नवीन समाधानों को दिखाने करने के लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन बनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आज देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन से अधिक है और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था अधिक ऊर्जा की खपत करती है और उस ऊर्जा में टिकाऊ ऊर्जा की ओर भी बदलाव देखा जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक टू दैट एक्सटेंट is a golden opportunity for all these related developments on the energy front to be showcased and provide a platform for further development and growth. The event will also feature increased focus across the entire energy value chain, including 3 sessions on biofuels, 3 sessions on hydrogen, and 2 sessions on CCUS. नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नूतन नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि कृषि में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार योजना की शुरुआत की गई है। योजना से राज्य और दूरस्थ क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिट्टी में कार्बन प्रतिशत को बढ़ावा देने और कार्बन उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे किसानों को फायदा होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। इस मौके पर कृषि मंत्रालय के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीति आयोग के सदस्य मौजूद रहे। हमने स्वैच्छिक कार्बन मार्केट यानी वॉलेंट्री कार्बन मार्केट के माध्यम से एक फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य योजना को शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट का लाभ भी किसानों को मिले। देखिए, इसमें ये बात कही जाती है कि किसान के जो कामकाज है उसके माध्यम से भी कार्बन पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण आबादी इससे ज्यादा प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने भूमि वानिकी स्कीम की शुरुआत की है। योजना के जरिए किसानों को नर्सरी से पौधा लेने, पेड़ उगाने और खेती से आमद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, राज्यों में जितने नर्सरी है उसमें अच्छे पौधा आए, अच्छा पौधा बढ़े, अच्छे तरीके से देखभाल हो, उसका गुणात्मक दृष्टि से एग्रेडिएशन हो और वो सुविधा भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को प्राप्त हो, इसके बारे में एक रोड मैप तैयार किया गया है। और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के द्रबशल्ला में मोड़ सुरंगों के माध्यम से चिनाब नदी की दिशा बदलने में सफलता मिली है। इसके साथ प्रदेश में 850 मेगावाट की रेटल पनबिजली परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। नदी मोड़ में बांध की खुदाई और निर्माण की महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करने के लिए नदी तल पर बांध क्षेत्र को अलग किया जा सकेगा। इससे बांध निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी और परियोजना कार्य में किसी तरह के विलंब को कम करने में मदद मिलेगी, ताकि मई 2026 की निर्धारित तिथि को परियोजना पूरी की जा सके। इस रेटल परियोजना को पूरा करने का काम रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है, जो NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर सरकार का संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना की कुल लागत 5,281.94 करोड़ रुपये है। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 29 जनवरी को राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती की तकनीकी और फसल प्रबंधन विषय पर 2 दिनों की राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन की शुरुआत की गई।
संगोष्ठी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि किसान संरक्षित खेती की नई तकनीक के इस्तेमाल से फसल उत्पादन को दुगना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तभी देश और प्रदेश समृद्ध बनेगा। मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में इनका उत्पादन 4.5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 390 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी से लेकर बिहार और पंजाब हरियाणा समेत पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे के आगोश में है। कोहरा इतना घना था कि दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में मौसम और भी खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के भी आसार बन रहे हैं। लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी की वजह से पर्यटक और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। आखिर कश्मीर घाटी में पिछले 2 महीने के इंतजार के बाद बर्फबारी हो रही है। हालांकि बर्फबारी के कारण पुंछ पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्ग की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2400 रुपए था, जो 29 जनवरी को 100 रुपए चढ़कर 2500 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2100 रुपए रहा, 29 जनवरी को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार नरम भाव पर हुआ। यहां 27 जनवरी को मक्का का भाव 2130 रुपए था, 29 जनवरी को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2120 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 जनवरी को मक्का का भाव 2250 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। सोमवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की दाहोद मंडी में रही। एग मार्केट के अनुसार 27 जनवरी को यहां अरहर का भाव था 8,550 रुपए, 29 जनवरी को ये 250 रुपए गिरकर 8,300 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की राजकोट मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 27 जनवरी को अरहर का भाव 10,100 रुपए था, 29 जनवरी को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 10,000 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 जनवरी को अरहर का भाव 9,250 रुपए क्विंटल था, जो 29 जनवरी को 50 रुपए लुढ़क कर 9,200 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 27 जनवरी को अरहर का भाव 9,000 रुपए था, 29 जनवरी को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 9,100 रुपए क्विंटल हो गया।
घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। असम के किसान बोरो धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। असम के किसान इस समय फॉक्सटेल बाजरा की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म को नियंत्रित करने के लिए किसान सिप्नोसैड का स्प्रे कर ले। असम में मिर्च में थ्रिप्स के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। यहाँ किसान सरसों की फसल को एफिड्स से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर ले। असम में आलू में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए किसान आवश्यक कीटनाशक छिड़कें। असम के किसान राजमा की बुआई के 40 दिन बाद सिंचाई करें, साथ ही राजमा के खेतों में पानी जमा ना होने दें और साथ ही राजमा को झुलसा रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। असम में गेहूं की फसल में कटवर्म का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। असम में ही काबुली चने में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए आवश्यक कीटनाशकों को पानी में मिलाकर छिड़कें। मेघालय के किसान टमाटर की विभिन्न किस्मों की बुआई कर सकते हैं, साथ ही यहां शिमला मिर्च की विभिन्न किस्मों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर लें, साथ ही यहां मूली, गाजर और शलगम की समय पर सिंचाई करें। मेघालय में किसान गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और लाई पत्ता में तितली के नियंत्रण के लिए मल्टी नीम का छिड़काव कर लें। यहां के किसान स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार के लिए इसमें यूरिया डालें। वहीं यहां अमरूद की अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद के बजट सत्र में पहले सरकार ने दोनों सदन में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने तेजस्वी यादव को पटना में स्थित दफ्तर में पेश होने के लिए कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव सोमवार को करीब 10 घंटे तक पटना के ईडी दफ्तर में सवालों का जवाब देते रहे। दिल्ली में सीएम आवास और झारखंड भवन में ईडी की दबिश के बाद से मुख्यमंत्री के लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस बीच जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के सम्मन पर बुधवार को सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री फरार है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतदान, इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के बीच है। आम चुनाव से पहले इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा इन दिनों भूटान की 3 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने भूटान के नए प्रधानमंत्री सेरिंग टोबगे से भेंट की और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस हिमालयी राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए परस्पर हित के क्षेत्रों और बहुविषयक सहयोग पर बातचीत की। भूटान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सेरिंग टोबगे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का जत्था लगातार देखा जा सकता है। 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक करीब 19 लाख से अधिक राम भक्तों ने मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।